स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हमने एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हमने पढ़ना है, वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या होता है, इसकी मीनिंग है साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म एंड स्केलेटन मीन्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, स्केलेटन मीन्स network of proteins, means that these network of protein acts as a skeleton, means it support the shell, support the cell। जिस तरह के हम कहते हैं कि हमारे body में bones is a skeleton perform करते हैं, bones हमारे body को एक proper shape provide करते हैं। तो इस तरीके से cell के अंदर भी network of proteins होते हैं और वो प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स है, दीज आर एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एंड द यूकेरियोट्स। यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोटीन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास मायोसिन है, एक्टिन है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट क्या करती है, मसल की कंट्रैक्शन करते हैं। जब आप अपने हाथ को बेंड करते हैं तो आपके मसल्स शॉर्ट और थिक हो जाते हैं, मींस ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट आपस में इस तरीके से ग्लाइडिंग करते हैं। और जब आप अपने हाथ को स्ट्रेटन करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, आपके जो मसल्स पहले कंट्रैक्ट थे ये एक्सटेंड हो जाते हैं और थिन हो जाते हैं और लॉन्ग लेंथी हो जाते हैं। बट जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है ये ट्रोपोमाइसिन, ये जो होते हैं ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को बाइंडिंग से स्टॉप करते हैं ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन। तो मतलब एक्टिन मायोसिन कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, ट्रोपोमाइसिन क्या करता है, ये एक्टिन और मायोसिन को बाइंडिंग से बचाते हैं जब बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में होती है। तो एक्टिन मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, इसके अलावा जो होते हैं सेलिया, फ्लेजेला, जो प्रोटीन से बने होते हैं, बेसल बॉडीज, सेंट्रियोल्स, ये जितने अमेबा के बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं, जो सीडोपोडिया वगैरह बनाते हैं, तो ये साइक्लोसिस का प्रोसेस, ये सारों प्रोसेस में जितने भी प्रोटीन इन्वॉल्व है, इन सारों प्रोटीन को साइटोस्केलेटन कहा जाता है। और ये सारे प्रोटीन साइटोप्लाज्म ही में मौजूद होते हैं। तो ये जो आपके पास साइटोस्केलेटन है, इसके मेनली थ्री टाइप्स हैं। बट इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था कोल्डजोफ ने 1928 में, और बाद में एक और साइंटिस्ट, उसका नाम था कोहेन, कोहेन ने 1975 में इसी साइटोस्केलेटन को कन्फर्म किया। तो कोल्डजोफ ने प्रेजेंट किया था सबसे पहले, रिपोर्ट किया था, सजेस्ट किया था, और बाद में कोहेन ने 1977 में इसको कन्फर्म कर दिया। और इसके थ्री टाइप्स होते हैं साइटोस्केलेटन के, जो मेन टाइप्स है, एक आपके पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसका जो डायमीटर होता है ये आपके पास 25 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। और ये जो आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये अनब्रांच होते, इससे ब्रांचेस एराइज नहीं होते, स्ट्रेट होते हैं, अनब्रांच होते, हॉलो होते हैं अंदर से, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 25 मिलीमीटर इसका डायमीटर है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ऑलमोस्ट राउंडेड और ग्लोब्यूल की शक्ल में होते हैं। और इसी माइक्रोट्यूब्यूल में कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, दैट इज द ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन व्हिच इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। फंक्शंस क्या है, सेंट्रियोल्स ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, बेसल बॉडीज, जिस तरह की आपके पास फॉर एग्जांपल ये आप मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर लूँ, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है क्लेमिडोमोनास, क्लेमिडोमोनास एक क्या आपके पास एक प्रोटिस्ट है आपके पास, तो इसमें इधर इस तरीके से बेसल बॉडीज होते हैं, बेसल बॉडीज ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है क्लेमिडोमोनास, इसी एक आपके पास ये बेसिकली बेसल बॉडीज है, बेसल बॉडीज, ये जो आपके पास बेसल बॉडीज है इससे इस तरीके से फ्लेजेला एराइज हुए होते हैं, फ्लेजेला जो लोकोमोशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, और सेंट्रियोल्स के बारे में आप जानते होंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सेल है, सेल में इधर आपके पास पेयर ऑफ सेंट्रियोल होते हैं
ये भी आपके पास पेयर ऑफ सिलेंड्रियोन होते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेल डिवीजन में, माइटोसिस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिलेंड्रियोन स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करते हैं इस तरीके से। ये दूसरा क्रोमोसोम है फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी स्पिंडल फाइबर्स हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को सेंटर में इपिडर में अटैच करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। तो ये आपके पास क्या, ये आपके पास स्पिंडल फाइबर्स हैं और ये क्रोमोसोम्स हैं। तो सेंट्रियो आपके पास क्या है, ये सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स। इसको इसी टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ना है कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। तो बेसल बॉडीज सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया आपको पता है कि ये तो आपके पास फ्लैजेला हो गए, जो क्लेमोडोमोनास से अराइज है, दीज आर कॉल्ड फ्लैजेला। और सीलिया अगर आप लोगों ने पैरामिशियम को देखा हो फॉर एग्जांपल, ये आपके पास मैं बताऊं कि पैरामिशियम है फॉर एग्जांपल लाइक अ सोल ऑफ अ शू, इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी पैरामिशियम के बॉडी से साइड पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुए होते, स्मॉल स्मॉल, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सीलिया, इसको सीलिया कहा जाता है। तो सिलेंड्रियोल, बेसल बॉडी, सीलिया, फ्लैजेला, दीज आर फाउंड फ्रॉम माइक्रोटूब्यूल्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन। सो ये एमसीक्यूज पार्ट ऑफ व्यू है, इंटर में, इन इंडिकेट में, नीट में ये इंपॉर्टेंट है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये माइक्रोटूब्यूल इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इंट्रासेलुलर मीन विद इन द सेल, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड द सेल, तीसरा होता है इंटर सेलुलर दो सेल के दरमियान में। तो सच इज गार्डिंग द गॉल्जी वेसिकल फॉर सेल वॉल। अब प्लांट सेल के में जो सेल वॉल की फॉर्मेशन है, ये बेसिकली ये जो आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये साइटोप्लाज्म इस तरह से ट्रैक्ट्स बनाते हैं, ये हॉलोबिक ट्रैक्ट्स बनाते हैं। उसी ट्रैक्ट्स के नतीजे मूवमेंट करते हैं, वो ट्रैक्ट जब बन जाता है इसमें साइक्लोसिस हो जाती है, ये साइटोप्लाज्म मूवमेंट करता है, इज रिजल्ट वो गॉल्जी वेसिकल जो होते हैं टूवर्ड दी सेल मेम्ब्रेन, और फिर सेल मेम्ब्रेन पर जो सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है वो करते हैं। और जो गॉल्जी वेसिकल होते हैं ना, इसके अंदर सेलुलोजिक कंटेंट्स होते हैं जो सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं। सो बेसिकली ये इसका रोल जो है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में है, कि ये क्या करते हैं साइक्लोसिस या जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, या साइटोप्लाज्म को जो मूव करते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्ट्रक्चरल रोल इज अ स्केलेटन, इसका स्ट्रक्चर सेल को एक सपोर्ट देते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर के तौर पर। ये सारे जो है आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सेल के अंदर एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक एक्सटेंड हुए होते हैं, और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, इस तरह के फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ये पिलर लगे हुए हैं, पिलर का बॉटम जो है ग्राउंड के साथ अटैच है, और इसी पिलर का टॉप ऊपर सीलिंग के साथ अटैच है, तो क्या करते हैं इसी बिल्डिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये भी प्रोटीनस स्ट्रक्चर थ्रू ऑल साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं, और ये भी क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स असेंबली एंड डिसअसेंबली, आपको पता है कि माइटोसिस में सेल डिवीजन में जो मैंने इधर एक डायग्राम ड्रा किया, उसमें क्या होता है कि आपके पास मेटाफेज में क्रोमोसोम बिल्कुल इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरह क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं तो स्पिंडल फाइबर की मदद से। और बाद में जब आप टेलोफेज की तरफ जाते हैं तो फिर ये स्पिंडल फाइबर गायब हो जाते हैं। तो इसी स्पिंडल फाइबर की जो फॉर्मेशन है और इसकी जो डिसोसिएशन है, ये बेसिकली कौन करता है, किसके कंट्रोल में होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ये हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर की असेंबली और डिसअसेंबली। मीन ये स्पिंडल फाइबर बेसिकली ये किस चीज से बने हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सेकंड आपके पास है माइक्रोफिलामेंट्स, इसका डायमीटर 7 नैनोमीटर होता है, ये एक्सट्रीमली थिन फिलामेंट्स होते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, मीन एक्टिन प्रोटीन, और ये एक्टिन प्रोटीन इसको हम कहते हैं कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, ये कंट्रेक्शन में हेल्प करता है, जिस तरह कि मैंने बता दिया कि ये मसल्स में मायोसिन के साथ मिलकर कंट्रेक्शन करते हैं। और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं एक्टिन के, लॉन्ग होते हैं, थिन फाइबर्स और बंडल की सूरत में पाए जाते हैं। फंक्शंस क्या है, मसल कंट्रैक्शन, मसल्स की कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। साइक्लोसिस, हमने साइटोप्लाज्म के टॉपिक में डिटेल से पढ़ा है कि साइक्लोसिस क्या होता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म,
मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक्टिन प्रोटीन होते हैं ये साइटोप्लाज्म की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए और साथ साथ मायोसिन को मिलाकर मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को भी ड्रैग करते हैं। इस रिजल्ट साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट हो जाती है, वो मैस जो होता है वो मूवमेंट करना शुरू कर जाता है, जिस कारण साइक्लोसिस। और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म को। सीडोपोडिया फॉर्मेशन इन द अमीबा, ये अमीबा है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ये सीडोपोडिया है। बेसिकली जो सीडोपोडिया का सेल मेम्ब्रेन है इसके इनर साइड पर एक्टिन प्रोटीन लोकेट हुआ होता है। एक्टिन प्रोटीन ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हुए, एक्टिन प्रोटीन जब एक्सटेंड हो जाता है तो इसी से अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन है उसको भी एक्सटेंड कर जाता है। इसी रिजल्ट आपके पास सीडोपोडिया, और इस सीडोपोडिया की मदद से अमीबा पानी में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। सीडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, मीन दिस आर द फॉल्स फीट, दिस कैन बी अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारी तरफ कोई प्रॉपर इसके फीट नहीं होते कि एक ही साइड से अराइज हुए होते हैं, बट अमेबा जो होती है इसकी शक्ल पानी में बदलती रहती है। ये एक्टिन प्रोटीन किसी भी साइड से साइटोप्लाज्म को, सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड कर सकता है सीडोपोडिया फॉर्मेशन के लिए, और साथ साथ इसी सीडोपोडिया से बाजाबाद कप का स्ट्रक्चर बनाता है, और ये होराक को भी कहता है। होराक को फूड पार्टिकल को एंगल्फ करता है और फूड वैक्यूल बनाता है अमीबा। अमीबा के अंदर क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है। जब ये फर्दर इस तरह कप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, ये फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया अलोंग विद ड्रॉप ऑफ वाटर। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। व्हाट इज फूड वैक्यूल? अ फूड पार्टिकल कंटेनिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। फिर बॉडी के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है जो होराक को आगे डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर बॉडी में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इस वेस्ट को बॉडी से बाहर को रिलीज करते हैं। तो ये जो आपने फंक्शन पढ़े ये बेसिकली किसके फंक्शन थे, ये माइक्रोफिलामेंट्स के। और जो आपके पास थर्ड टाइप है वो आपके पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं इसका जो डायमीटर है ये 8 to 11 और 8 to 10 नैनोमीटर होता है। इसको नाम दिया गया है इंटरमीडिएट, मीन्स अगर आप साइज को देखें तो इसका माइक्रोटिक्यूल का 25 नैनोमीटर है, माइक्रोफिलामेंट का 7 नैनोमीटर है। तो इन 25 और 7 के दरमियान में इंटरमीडिएट का साइज है 8 to 11 और 8 to 10 नैनोमीटर। तो बिकॉज ऑफ देयर साइज इसको नाम दिया गया है इंटरमीडिएट फिलामेंट, विच आर इन बिटवीन द माइक्रोटिब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। और ये बेसिकली क्या होते हैं, रोप लाइक पॉलीमर्स और फाइबरस प्रोटीन होते हैं, फाइबर्स की सूरत में होते हैं। और इसके फंक्शंस क्या है, इसमें केराटीन प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह के हेयर्स वगैरह जो बनते हैं केराटीन प्रोटीन से बनते हैं, नेल्स वगैरह होते हैं। और साथ साथ ये सेल को सपोर्ट भी करता है, सेल को एक प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन एक्सटेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। और साथ इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, सेल के अंदर जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है इसको एक प्रॉपर शेप, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये आपके पास एक साइटोस्केलेटन का डायग्राम है, इसमें आपको जो ये ग्रीन नज़र आ रहे हैं ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, थिन फिलामेंट होते हैं जो सेल के अंदर एक्सटेंडेड हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में। और आपके पास जो ये ब्लू नज़र आ रहे हैं, ब्लू आपके पास ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये रोप के शक्ल में होते हैं इस तरीके से, दो दो इस तरीके से, फिर इससे ब्रांचेस इस तरीके से अराइज हुए होते हैं। और जो आपको रेड में नज़र आ रहे हैं ये आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो अंदर से हॉलो होते हैं, अनब्रांच होते हैं। और ये आपके पास जो ब्लैक नज़र आ रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसी की सेल के अंदर ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हुए होते हैं और इसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स समझ आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाएँ, और हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।